दुनिया भर में समय समय पर कई सारी सौंदर्य प्रतियोगिताओं का आयोजन होता रहता है। ये एक ऐसी प्रतियोगिता होती है जिसमें सामान्यता प्रतियोगियों के शारीरिक गुणों के मापन के आधार पर उनकी रैंकिंग की जाती है। हालांकि अब ज्यादातर सौंदर्य प्रतियोगिताओं में व्यक्तित्व, बुद्धि, प्रतिभा और निर्णायक के विभिन्न विषयों के प्रश्नों का उत्तर देने की क्षमता आदि विशेषताओं को भी इसमें जोड़ा गया है। ऐसी ही एक प्रतियोगिता है मिसेज यूपी। मिसेज यूपी क्वीन ऑफ वर्च्यू सौंदर्य प्रतियोगिता विवाहित महिलाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने, अपनी छिपी शक्तियों का एहसास करने और अपनी वास्तविक क्षमता का पता लगाने के लिए एक वास्तविक और निष्पक्ष मंच प्रदान करती है। अभी तक यूपी में इसके 2 सेशंस हो चुके हैं और ये तीसरा सत्र होने जा रहा है। तो हाल ही में मिली जानकारी के मुताबिक इस बार विवाहित महिलाओं के लिए मिसेज उत्तर प्रदेश प्रतियोगिता का आयोजन सितंबर में किया जा रहा है, जिसमें पूरे प्रदेश की महिलाओं को हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। तो अगर आपके अंदर भी है जज्बा दुनिया के सामने खुद को साबित करने का, तो आप भी इस प्रतियोगिता में आवेदन कर सकती हैं। आवेदन कैसे करें, इसकी पूरी प्रोसेस हम लेकर आए हैं, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले तो बता दें कि इसके लिए यूपी के 7 शहर यानी कि लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, मेरठ और बरेली में इसका ऑडिशन लिया जाएगा और यहां से जिन महिलाओं का चुनाव होगा उनको लखनऊ में होने वाले फाइनल में मौका मिलेगा। बता दें प्रतियोगिता से जिनका चुनाव होता है उनको कई बड़े प्लेटफॉर्म मिलते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल इस प्रतियोगिता को जीतने वाली महिला को फिलीपींस में आयोजित मिसेस वर्ल्ड प्रतियोगिता में शामिल होने का मौका मिल रहा था। इससे पहले की प्रतियोगिता में जीतने वाली महिलाओं को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सम्मानित किया था। यहां से जीती हुई प्रतियोगी को उत्तर प्रदेश खादी बोर्ड ने अपना फेस बनाया था। ऐसे में उनको एक बड़ा मंच भी मिलता है। बताया जाता है कि यहां से जीती हुई इशिता द्विवेदी और नीतिका राणा मिसेज इंडिया सीओ 2023 में राज्य का प्रतिनिधित्व करने जा रही थी। इसके अलावा सीजन 1 की प्रथम रनर अप रही नेहा मोहंती को यूएस क्लब कोलाबा मुंबई में रक्षा कर्मियों की पत्नियों और बेटियों के लिए सबसे बड़ी प्रतियोगिता माई क्वीन 2023 में जज के रूप में नामांकित किया गया था। बताते चले क्वीनिफाइड ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड की ओर से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसकी संस्थापक और सीईओ श्रीमती प्रीति यादव हैं, जो कि एक कलाकार और उद्यमी हैं। खैर, अब अगर इतना सब कुछ जानने के बाद आपने भी इस प्रतियोगिता में पंजीकरण का मन बना लिया है तो बता दें प्रतियोगिता में पंजीकरण करने के लिए आप इनके दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकती हैं या फिर स्क्रीन पर दी हुई वेबसाइट पर विजिट कर सकती हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।